हे गाइस, वेलकम टू इन्फो टेक्निकल चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने व्हाट्सअप की स्टेटस कैसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या उनकी स्टोरीज कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सअप में जाना है। क्लिक ऑन व्हाट्सअप, देन क्लिक टू दिस स्टेटस। अब आपको जो कोई भी वीडियो अपने मोबाइल में सेव करना है, पहले उसे सीन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो ये मैंने सीन किया हुआ है। अगर आपको इसे अपने व्हाट्सअप स्टेटस को अपने मोबाइल में सेव करना है, तो सबसे पहले अपने गैलरी माय फाइल्स को ओपन कीजिए। उसके बाद सर्च के बाजू में थ्री डॉट्स है, उसको क्लिक कीजिए। देन सेटिंग पर क्लिक कीजिए, इधर शो हिडन फाइल्स लिखा, आपको पहले उसे ऑन करना है। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में वो वीडियो नहीं दिखाएंगा आपका। तो उसे ऑन करके लीजिए, मेरा ऑलरेडी ऑन है। देन क्लिक ऑन माय डिवाइस, उसके बाद व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, देन मीडिया पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, इधर आपको स्टेटस दिखाई देगा। अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, इधर आपके सारे व्हाट्सएप के स्टेटस आ जाते हैं। आपका जो भी स्टेटस है, वीडियो या पिक, वो सब इधर आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ये सिर्फ टेम्प्ररी है। अगर आपको इसको परमानेंट करना है, तो आपको इसे किसी और फोल्डर में मूव करना होगा। तो मैं स्टार्टिंग ये दो वीडियो किसी और फोल्डर में मूव करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, इन दो वीडियो को मैंने मूव किया, अभी ये परमानेंटली हो गए। और आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रख सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इधर आ गया सेंड। देखिए, ये हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।